अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज़। ये आज आपका शॉर्ट आर्टिकल है और इजी भी है, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं इसीलिए आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये आपको इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर चलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ इन विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ये फर्स्ट डेफिनेशन है जो नीचे लिखी हुई है आपको, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। जिनको आप एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, आप सेकेंड वे से कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को? ऑल दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब। जिनकी मदद से आप फिजिक्स के किसी भी लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। लॉज ऑफ फिजिक्स, इधर बात हो रही है लॉज ऑफ फिजिक्स, वो कोई भी लॉ हो सकता है, आपका ग्रेविटेशन लॉ हो सकता है, न्यूटन लॉ हो सकता है, या कोई भी लॉ हो सकता है। तो आप ये है सबसे की पॉइंट आपका क्या है इधर डेफिनेशन में, लॉज ऑफ फिजिक्स की फर्स्ट डेफिनेशन में ये आपका की वर्ड है, और सेकेंड डेफिनेशन में विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली ये है आपका की वर्ड। ये मिसिंग हुआ आपका डेफिनेशन में तो आपको सिंगल मार्क्स भी नहीं मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। ये दोनों डेफिनेशन आपके सामने दी हुई हैं, आप दोनों में से जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं, दोनों में से एक भी कर सकते हैं। ये आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो फिजिकल क्वांटिटी में आपकी फोर्स, मैस, एक्सेलरेशन, लेंथ, वेलोसिटी, एनर्जी, ये सब आ जाती हैं। तो आपको जो मैंने बात की है उसकी फर्स्ट डेफिनेशन में कि आप फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मदद से आप फिजिक्स के किसी भी लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स मैंने कुछ दी हैं इधर, ये देखिए, जहां एफ इक्वल टू एम ए, ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है। इधर आप चलें, आप एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। तो जैसे आपका एफ इक्वल टू एम ए, तो ये देखें आपकी फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैस आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये आपकी फिजिकल, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज वो इन्वॉल्व हैं, ये मिलके क्या कर रही हैं? फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो उसमें कहा गया है कि जो किसी भी आपकी लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर सकती है। तो ये देखिए फिजिकल क्वांटिटी ने मिलके आपका ये न्यूटन सेकेंड लॉ उसको डिस्क्राइब कर रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो कहता है ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। तो यहाँ देखें आप फोर्स को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, मैस को भी और एक्सेलरेशन को भी। तो ये दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर सेकेंड आप एग्जांपल के ऊपर जाएं तो एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, ये आपका न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ है। तो इधर भी आप देखें फोर्स आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी, ये आपका कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मैस आपका m1 m2, ये दोनों आपके मैसेज हैं और ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और नीचे आपका आर स्क्वायर है जो डिस्टेंस है जो मैसेज के दरमियान होता है, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये आपका एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं, e इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन इक्वेशन, एनर्जी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, मैस फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये भी मिलके आपकी आइंस्टाइन इक्वेशन बना रही हैं। तो ये एग्जांपल थी फिजिकल क्वांटिटीज को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये उनकी मैंने एग्जांपल्स दी। आगे चलते हैं, अब फिजिकल क्वांटिटीज को किस तरह कैटेगराइज किया गया वो डिस्कस करते हैं, टाइप्स आप कह सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया गया बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। अब चलते हैं कि बेस क्वांटिटीज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, द मिनिमम नंबर ऑफ दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब। वो क्वांटिटीज द मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर क्यों इधर वर्ड यूज किया गया, कि कम से कम वो क्वांटिटीज जिनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो मिनिमम नंबर कौन से हैं, सेवन है। उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, तो वो मिनिमम सेवन बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस। तो ये आपको सेवन बेस क्वांटिटीज जो आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए, नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर वन में ही आपने पढ़ी हैं, तो ये आपके लिए नई चीज़ नहीं है, तो ये आपको आती भी होंगी। आगे आपकी ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी हैं? ड्राइव क्वांटिटीज दोज डेफिनेशन इज बेस्ड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, मीन्स वो ड्राइव क्वांटिटीज को, जैसा कि नाम से शो हो रहा है आपको, ड्राइव, ड्राइव क्वांटिटीज मीन्स ड्राइव की गई हैं, कहां से? जो आपकी बेस क्वांटिटी से ही निकलती हैं। उसने कहा इधर वर्ड यूज किया हुआ है, इस डेफिनेशन इज बेस्ड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी। अदर फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? वो आपकी बेस क्वांटिटीज ही हैं, जो सेवन आपको लास्ट स्लाइड में मैंने शो करवाई हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो वो उनकी फॉर्म में, जिनकी डेफिनेशन, ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डेफिनेशन बेस करती है किसके ऊपर? बेस अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, और वो हैं बेस क्वांटिटीज। मैंने इधर कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, एक्सेट्रा। जैसा कि आपको फर्स्ट एग्जांपल दी गई इधर वेलोसिटी की, वेलोसिटी आप देखें तो आप वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, वी इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो यहां ये देखें, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये लेंथ है, टाइम ये एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप बेस क्वांटिटी भी कह सकते हैं, टाइम एक बेस क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ वो भी एक बेस क्वांटिटी है। तो ये देखें वेलोसिटी की डेफिनेशन किसके ऊपर बेस कर रही है? अदर फिजिकल क्वांटिटीज, और वो कौन सी हैं? वो आपकी ये दोनों, लेंथ और टाइम, ये दोनों आपकी बेस क्वांटिटीज हैं, इनके ऊपर बेस करती हैं। मीन्स आप ड्राइव क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज की मदद से ही डिफाइन करते हैं, ये है डेफिनेशन का मीनिंग। अब अगर आप सेकंड डेफिनेशन के ऊपर चलें तो ये देखें एक्सेलरेशन, तो ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब ये देखें ए इज इक्वल टू वी ओवर टी होता है, और वी को आपने डिफाइन किया है डी ओवर टी, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को, डी ओवर टी स्क्वायर, वी आपका डी ओवर टी, और अगर आप ये इधर पुट करें तो ये बन जाता है डी ओवर टी स्क्वायर। तो ये देखें एक्सेलरेशन भी बेस कर रही है किसके ऊपर? बेस क्वांटिटीज के ऊपर। तो ये डेफिनेशन का मीनिंग है। अगर आप ऐसे चलते जाएं आगे, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, तो उसमें भी देखें आपका ये मैस है बेस क्वांटिटी, एक्सेलरेशन है वो ड्राइव क्वांटिटी है। अब ये देखें फोर्स की डेफिनेशन को आप इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन करते हैं, तो वो देखें मैस तो आपकी पहली बेस क्वांटिटी है, अगर आप एक्सेलरेशन को लिखें तो आप इधर लिख सकते हैं डी ओवर टी स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है, एम इक्वल टू वी ओवर टी, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं फोर्स की। तो ये आपको एक्सप्लेन किया ड्राइव क्वांटिटीज किसे कहते हैं। आगे चलते हैं मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको आ सकता है डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन हाउ यू कैन कैटेगराइज दी फिजिकल क्वांटिटीज, आपने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, तो ये आ सकता है सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको यहां से आ सकता है वो ये है कि आपकी मेजरमेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी वो कितने कंसेप्ट स्टेप्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, मीन्स उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी उस वो कंसिस्ट करती है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं टू स्टेप्स। वो टू स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप है द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, क्या आप स्टैंडर्ड चूज करते हैं सबसे पहले। सेकेंड क्या है द प्रोसीजर फॉर द कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद स्टैंडर्ड। अब ये लिखा तो हुआ है, वैसे स्टूडेंट्स को याद करना मुश्किल होता है, तो इसकी मैं सिंपल सी एग्जाम्पल्स दे के आगे चलता हूँ कि आपको किस तरह ये पॉइंट्स आपके जहन में बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में, तो आप फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर लेनी है या सॉल्ट लेना है, चीनी या नमक लेना है, तो आप चाहते हैं कि मैं एक किलो नमक लेके आऊं, तो आप जाते हैं सबसे पहले तो शॉपकीपर को जाकर कहते हैं, आप कहते हैं कि मुझे 1 kg शुगर चाहिए, तो आपने क्वांटिटी बता दी कि मुझे, और वो किस में बता दी, केजी में, और आपने जो क्वांटिटी बताई है वो मैस है, और मैस का यूनिट भी बता दिया आपने केजी में, 1 kg मुझे चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, तो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड चूज़ कर लिया।
कि आपने जो चीज़ मैयर करनी है वो किस में करनी है। आपने बता दिया केजी में करनी है, और कितनी क्वांटिटी, 1 kg आपको चाहिए। सेकेंड पॉइंट है द प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग दी क्वांटिटी टू बी मैयर्ड विद स्टैंडर्ड। अब आपने जो क्वांटिटी मैयर करनी है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने कहा था 1 kg मुझे शुगर चाहिए, तो उसने क्या करना है, फिजिकल बैलेंस यूज़ करेगा या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ करेगा। उसके ऊपर फिजिकल बैलेंस यूज़ करता है तो उधर आपका 1 kg का वो वेट रखेगा दूसरी साइड पे, और दूसरी साइड पे वो फिजिकल बैलेंस में वो डालता जाएगा शुगर। और जब भी उन दोनों की क्वांटिटी मैच कर जाएगी, दोनों का वेट बैलेंस कर जाएगा, वो कहेगा ये लें आपको, ये आपकी 1 kg शुगर। तो ये इस तरह आपने क्या किया, आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड चूज़ किया, फिर आपने क्या किया उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके उस क्वांटिटी को मेजर कर लिया। तो ये आपका सेकंड स्टेप है, पहले स्टैंडर्ड चूज करना, उसके बाद उसको क्या करना, कंपेयर करना। ये की वर्ड है कि स्टैंडर्ड चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, और सेकंड वर्ड कंपेयरिंग, कंपेयर करना किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। तो इस तरह आप किसी भी मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी को, आप किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन था आज का। फोर्थ एंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन वो आपको कह सकता है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड की जो आपने चूज किया है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो उसकी भी दो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, वो कौन सी हैं, सबसे पहले आपका असेसिबल, और सेकंड है आपका इनवेरिएबल। असेसिबल एंड इनवेरिएबल, आप इन वर्ड्स को भी समझ लें। असेसिबल किसे कहते हैं, असेसिबल मीन्स जिसे छुआ जा सके, जिसकी तशहीस की जा सके, उसे कहते हैं असेसिबल। मींस आपने जो स्टैंडर्ड चूज किया आइडियल स्टैंडर्ड, ये नहीं है कोई वो आपको दिखाई भी ना दे। आप 1 kg वेट है तो वो आप उसको छू भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, तो वो है असेसिबल है, जिसको आप, जिसकी आप तशहीस कर सकते हैं। ये है फर्स्ट वर्ड। और सेकेंड है इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मीन्स जो चेंज ना हो, तब्दील ना हो। ऐसा नहीं है कि अभी आप रख के गए हैं तो 1 kg वेट था, बाद में आया है तो वही 1 kg वेट रिड्यूस हो के 800 ग्राम्स रह जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इनवेरिएबल हो, जो तब्दील ना किया जा सके। तो ये हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। जो आपका फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको इस टॉपिक में से, वो आपका असेसिबल होना चाहिए और इनवेरिएबल होना चाहिए। तो ये था आर्टिकल नंबर 1.2। क्वेश्चन हो तो वो नीचे आप कमेंट्स में दें, और यही आज का आपका लेक्चर था। ओके जी, थैंक यू।